गाजियाबाद में कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से 3 छात्राएं लापता हो गई हैं। लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। आपको बता दें, आखिरी बार हॉस्टल की गैलरी में टहलती हुई नजर आई थी ये तीनों छात्राएं, जिसके बाद अचानक से ये तीनों गायब हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में छात्राओं के परिजनों को जानकारी दे दी है। पुलिस का दावा है जल्दी ही लापता छात्राओं का सुराग लगा लिया जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब। एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जी, इसमें 3 बच्चियां हैं, 6th और 7th और 8th की जी। वो सुबह जब इनका योगा के लिए इनको उठाया गया तो तीनों मिसिंग थी। इस संबंध में थाने सूचना मिली है और इसमें इनकी तलाश की जा रही है जी। यहाँ पे सीसीटीवी भी होगा, उसमें कुछ नजर आया? हाँ, उसमें लड़कियाँ बरामदे में टहल रही हैं। हाँ। टहलते हुए दिखाई दी हैं। फिर कहाँ गई हैं, इसके बारे में हम तलाश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। लड़कियाँ कहाँ की थी और इनके परिजनों से भी क्या कुछ बात हुई है? उनके परिजनों से भी बात हुई, वो आ गए हैं। चूँकि ये आवासीय विद्यालय हॉस्टल है, हॉस्टल में ही रहती थी और ये कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई यहाँ होती है। और एक इनके बारे में जो सीसी फुटेज वगैरह मिले हैं उसके आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। सर, बच्चे कहाँ की रहने वाली हैं? ये लोकल यहीं की है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं शक्ति सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, किस क्लास की ये छात्राएं थी और अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है क्या? देखिए रोमाना, इन बच्चों के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। इन तीनों के ही नाम बुशरा, महक और ईशिका, ये तीन बच्चियां हैं। एक बच्ची 7वीं क्लास की है और 2 बच्चियां 8th क्लास की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गाजियाबाद की रहने वाली हैं और अपने घर नहीं गई, तो इसके बाद ये कहां गई, सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बच्चियां देखी गई हैं देर रात तक देखी गई हैं, जो सीसीटीवी में टहल रही हैं। बैग लेने के बाद तीनों साथ निकलती हैं, यहाँ तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ गई है। उसके बाद क्योंकि नाबालिग हैं बच्चियाँ कहीं किसी गलत हाथ में भी जा सकती हैं, तो बच्चियाँ वहाँ से निकली हैं। जिसके बाद जो पुलिस है, पुलिस हालांकि इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस पता भी निकाल रही है, इसके परिवार को भी बता दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये हॉस्टल में रहा करती थी, वहाँ पर हॉस्टल की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से ये वहाँ से गेट से बाहर चली गई, वो भी देर रात्रि। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।